नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुमक्कड़ राज में। और आज चौथा दिन है हमारी डस्टर कैंपर कार कन्वर्ट का। हमारा किचन कैबिनेट का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा सा माइनर सा काम रह गया है, वो भी साथ साथ होता रहेगा। बट अभी जो मेजर काम रह गया हमारा वो स्लीपिंग अरेंजमेंट का रह गया है। तो हमें बेड का प्रोविजन बनाना है। बेड के जो दो फट्टे थे वो तो हमने काट लिए थे, बट उसको जहाँ पर प्लेस करेंगे हम एक एल शेप में हम एक स्टैंड बनाना है। तो हम पहले रॉट आयरन का समझ रहे थे, MS आयरन में बनाने का प्लान कर रहे थे। तो फिर हमें लगा कि हम अगर वुडन का भी एक बार ट्राई करते हैं, अगर वुडन में बन जाता है वो एल स्टैप में एक स्टैंड बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में से इकोनॉमिकल क्या पड़ता है। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा प्राइस का तो ऑब्वियसली हम फिर वुडन की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ प्राइस का तो फिर हम हो सकता है MS की तरफ चले जाएं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन रहे हैं, जो पूरा इसका एक लास्ट वीडियो में मैं पूरा प्राइसिंग वगैरह बताऊंगा कि मुझे क्या कौन सी चीज़ क्या कॉस्ट करी। पूरा कंप्लीट हमारा जो बजट कितने का पड़ा हमें ऑलमोस्ट। तो हम आरा मशीन पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम लकड़ी कटवा रहे हैं अपने जो बेड के फ्रेम के लिए। हमें 3 इंची बाय 2 इंची के 6 बत्ते चाहिए थे। इतनी सारी लकड़ियों में से उनको साइज को छांटना और उसको काटने के लिए वो ढूंढ रहे हैं लकड़। और ये कितनी हिम्मत का काम है जो ये सुबह से लेकर शाम तक बिना मास्क लगाए इतने पॉल्यूशन में काम करते हैं। मुझसे तो 5 मिनट भी वहां नहीं खड़ा हुआ गया। अभी हम आरे पर आए थे, यहाँ पर हमने रेट पूछा तो रेट भी बड़ा इकोनॉमिकल पड़ा हमें। तो हमने प्लान कर लिया लकड़ का ही बनाएंगे। आयरन का भी हमने पता किया तो वो 2000 के आसपास का खर्चा बता रहा था कि इसको बनाने में जो MS का जो बनेगा स्टैंड उसमें अप्रॉक्स 2000 का खर्चा आ रहा था। तो आरे पे आए हैं तो हमें 3 इंची बाय 2 इंची की हमने लकड़ कटवाई है, जो कि हमारी पूरी लकड़ आई है वो 1000 रुपीज़ की आई है। बाकी जो लेबर लगेगी कारपेंटर की, एक दिहाड़ी लग जाएगी तो 600 रुपये लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1000 रुपये लगा लो। तो ऑलमोस्ट सेम जो हमें MS में जिस रेट में पड़ रहा था उसी रेट में हमें वुडन पड़ रहा है। बट क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए, स्ट्रेंथ वाइज देखा जाए तो वुडन मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। और अभी हम आरा से चिरवा के लाए हैं लकड़ी और अब हम सीधा जाएंगे कारपेंटर के पास, उसको बताएंगे दिखाएंगे और वो देखो आज उसको काम को अंजाम देते हैं या कल। तो नेक्स्ट उसको जैसे फ्रेम बनाएंगे तो उसका वीडियो भी आप आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया लकड़ी छांटने में और कटवाने में। पहुंचते हैं हम कारपेंटर जी के पास।
हम कारपेंटर के पास पहुंच चुके हैं और इनके पास पहुंचते हुए हमें शाम हो गई थी, क्योंकि उसके बाद मुझे कुछ मार्केट में काम था और भी कुछ सामान लेना था, तो उसके बाद मैं मार्केट चला गया सीधा और आते आते शाम हो गई। हमारे घर के बराबर में एक बिल्डिंग में एक कारपेंटर का काम चल रहा है, तो वहीं पर उन्होंने लकड़ को रंदा और रेत मार लगा के स्मूथ कर दिया और आज सिर्फ इतना ही काम होगा। बाकी दो दिन वो बिजी हैं और उसके बाद दो दिन के बाद बाकी का काम शुरू करेंगे। दो दिन पहले हम लकड़ी कटवा कर लाए हैं और कारपेंटर दो दिन बिजी रहा, तो इस करके बाकी का काम नहीं हो पाया। तो आज कारपेंटर अपनी साइट पे ही उसने बुलाया, जहाँ पर वो उसके बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है, तो वहीं पर उसने कहा कि आप मेरी साइट पे आ जाइए, तो मैं वहीं पर तैयार कर देता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं कारपेंटर के पास, बाकी आज बेड अरेंजमेंट का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पहुँच चुके हैं कारपेंटर के साइट पे, जहाँ पर कारपेंटर काम कर रहा है। वो सामने भरत शर्मा जी खड़े हैं, हमारे कारपेंटर, और अब हम ये लकड़ी लेकर आए थे, लकड़ी लेकर जाते हैं और उनसे आज बेड का अरेंजमेंट भी कंप्लीट करवाते हैं। कहो बाबू, क्या कर रहे हो? हाँ, आज वीडियो बनना है, इस करके नहा धो के आए हैं। सेंट लगा के आए हो कि नहीं लगाए हो? क्यों रंजीत बाबू? जो लकड़ी हम कटवा कर लाए थे, उसमें से हमने दो लेग्स बनवाई जो कि 27-27 इंची की आई, और दो 43 इंची के हमने सपोर्ट के लिए दो लेंथ लगवाई, तो ये एल शेप में आ गया। और बीच में एक सपोर्ट हमने सेंटर में दी है, जो दो फट्टों के सेंटर में जो आनी थी। और कारपेंटर को मेजरमेंट समझाते हुए
कौन से लाने हैं? जिप्सम। और ये दो लकड़ों को कब्जे से जोड़कर एल शेप में ये स्टैंड बन रहा है। हीरा लाल शर्मा जी भी कह रहे थे हमारा एक वीडियो आए, हमारा भी वीडियो बने। ये भी भरत शर्मा जी के असिस्टेंट हैं। जूनियर है सीनियर है? क्या? सीनियर असिस्टेंट है आप? नहीं नहीं, अरे असिस्टेंट तो सीनियर है, सबसे बड़ा असिस्टेंट तो आप ही है ना। तो ये जो हमारा किचन कैबिनेट बना है उसके पीछे से एक लकड़े का हुक बनाकर जिसके ऊपर वो एल शेप का जो स्टैंड आएगा वो इसके ऊपर टिकेगा। ठीक है। थोड़े देर पड़े हैं, निकाल लूंगा मैं बाद में। अरे टेंशन मत लो, मैं निकाल लूंगा, पड़े हैं इसमें बहुत है। और ड्रॉर पे चटनी लगवा रहे हैं। जब कभी गाड़ी चलती है तो ड्रॉर बाहर निकल आता था। जो बेड के लिए हमने एल शेप के स्टैंड बनवाए थे उन दोनों को बीच में एक सपोर्ट लकड़ी की दे रहे हैं। और ये लास्ट सपोर्ट बनने के बाद हमारा ऑलमोस्ट बेड का काम सारा खत्म हो चुका है और हम इसे असेंबल करके ट्राई करते हैं। तरीके से ये फोल्ड हो जाता है और हम आराम से बेटा दरवाजा बंद कर
दरवाजा बंद करियो बेटा। ये देखिए चूल्हा है। गैस बार गैस कर दी फर्स्ट क्लास लगी। और कारपेंटर का असिस्टेंट वीडियोग्राफी करते हुए हमारी हेल्प कर रहे हैं। इधर अंदर से बना उधर लात रखते हैं। पीछे सराहना रखने के बाद हमारे पास जगह पीछे बची जगह बची हुई इधर बची हुई है काफी जगह है। अगर हम नीचे हो जाते यहाँ तक आ जाते हमारा पैर तो ऊपर जगह बची हुई ठीक है। अभी हम इधर छत के ऊपर दिखा रहे हैं। यहाँ ऐसे लेटने के बाद हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाती है तो थोड़ा सा वो हाइट थोड़ी सी कम है मगर गुजारे लायक है। रूफ की कम हाइट होने की वजह से थोड़ा सा उतरना और चढ़ना हल्का सा मुश्किल हो रहा था मगर मैनेज करना पड़ेगा। कैसे घुसे थे भाई? निकलिए ऐसे ही घुसे थे। हाइट कम एक दो बजे उठेंगे चढ़ेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ इसको मोड़ दीजिए। अब इसको बंद हो गया। तुम्हारा पिक्चर नहीं आ रहा था ना? अरे तुम्हें तो फिल्म बनवाए थे ना। नहीं हैं? हमको नहीं लीजिए। काहे नहीं लीजिए? ये ऐसे सीट्स फोल्ड हो जाएंगी और यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है नीचे सामान रखने के लिए। अगर इसका थोड़ा सा हाइट कम होता तब भी एडजस्ट हो जाता मगर ठीक है। बेड हमारा इस तरीके से बना है कुछ। तो आज हमारा ये बेड भी कंप्लीट हो चुका है। बाकी का प्रोसीजर हम अब इसका ऊपर गद्दा बनाना पड़ेगा। हमें पतला से पतला गद्दा बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास साइट ऊपर कम है। तो ये हमारा ये 6 फुट बाय 4 फुट का हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक 3 फुट का है और आगे हमारा 4 फिट हो गया। तो हमारा बेड इस तरीके से निकल आया और ये हमने ये हमारा किचन का हो गया गैस का। ये हमारा मसाला रखने के लिए हो गया और यहाँ हमने 2 कैचर लगवा के ये बोर्ड लगा दिया जिससे कि हमारा कटिंग बोर्ड बन जाएगा। हमारा कुछ भी वर्किंग टेबल बन गया हमारा। और एक ये लकड़ी हमने कटवा ली है जिसको हम नीचे सपोर्ट दे देंगे इसके। अगर कोई वेट आ जाता है किचन का तो इसके ऊपर हम आराम से इसको छोड़ दे बेटा। अब ये एक सपोर्ट हो जाएगी। कुछ बर्तन वगैरह भी रखते हैं तो नीचे गिरेंगे नहीं। एक ये वुडन सपोर्ट हमारे पास होगी। और ये हमारा सामान रखने के लिए और ये हमारा वॉश बेसिन आ गया। ये सामान रखने के लिए हमारा हो गया। ताले वगैरह इसमें आ जाएंगे आराम से। ये हमारा सिंक बन गया। यहाँ हमारा
गैस स्टोव आ गया और ये हमारा हाँ, और ये ड्रॉर भागे ना, इस करके हमने यहाँ पर चटनी लगा दी। अब दोनों ड्रॉर बंद हो जाएंगे